हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते। पहला आप सभी लोगों को मेरा, मैं नीतू मदन मोहन तिरवा की ओर से एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो दोस्तों, कल की वीडियो थी मायके वाली, तो आज मायके से हम पहुँचते हैं ससुराल। तो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई, आप लोगों ने मुझे कमेंट किए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और आप लोगों को बेहद पसंद मेरी वीडियो आई। तो आप लोगों ने कमेंट की थी इसका पार्ट टू भी होना चाहिए करके, तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आई हूँ आज। तो पार्ट टू शुरुआत करते हैं। तो हम पहुँचे थे अपने मायके में मेरी शादी को लेके। उस टाइम पर मैं सिर्फ 17 साल की थी। उस टाइम पर लव मैरिज का इतना इशू नहीं था, मतलब इतना प्रचलन नहीं था। कुल मिलाकर शौक थी खाली कि हाँ भाई शादी करनी है और मुझे लहंगा पहनने को मिलेगा, काफ़ी ज्वेलरी वगैरह में पहनने को मिलेगा, क्योंकि शौक। तो मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, कोई लव मैरिज नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि छोटी थी मैं, 17 साल की थी। 17 साल की एज में क्या ही लव मैरिज होती है, 11 में मैं पढ़ती थी। तो फिर यहाँ से पहले तो यहाँ से रिश्ता आया, तो पापा ने कहा एक बार ठीक है चलो एक बार लड़का देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है कैसा होता है करके, एक बार देख लेते हैं, अगर लड़का अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं तो रहने देंगे, अपने आप रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है एक बार देख लो आप। उस टाइम पे बोला भी नहीं जाता था, इतनी झिझक होती थी कि माँ बापों को बोलने में शर्म आती थी कि आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा करके। तो मैं इस वजह से भी थोड़ा वो हो गई, मतलब प्रेशराइज हो गई थी, तो इसलिए काफ़ी मैंने सोचा विचार किया, उसके बाद जो मैंने डिसाइड किया कि हाँ अभी शादी चलो ठीक है जो घर वाले। तो फिर यहाँ से पापा जी आए देखने के लिए, तो काफ़ी उस टाइम पे छोटी थी मैं, तो ऐसी मैं घूम रही थी बाहर पे, आए पापा जी, लोग देखा मेरे को तो पसंद आ गई थी मैं पापा जी की, तो काफ़ी अच्छा उस टाइम पे मुझे भी अच्छा लगा पापा का नेचर, मतलब बहुत अच्छा लगता था मुझे उनका नेचर, काफ़ी अच्छा था और बातचीत करने की बाबू बाबू करके बात करते थे तो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद फिर बातचीत वातचीत होगी, चिन्ने वगैरह ले गए पापा, तो यहाँ आए फिर चिन्नी विन्नी भिड़ा होगा होगा, क्योंकि हर जगह यही होता है, कुंडली बनाना बहुत जरूरी होता है, वही चिन्ह हमारे वहाँ पहाड़ी भाषा में चिन्ह बोलते हैं उसको, तो वो लेके आएंगे। तो पंडित जी के वहाँ से मिला मिलूपी हो गया होगा सब कुछ, फिर ठीक ही था, नॉर्मल था सब भी ठीक ही है। तो उसके बाद फिर शुरुआत होती है देखने की, तो एक बार पापा जी लोग आते हैं घर में देखने के लिए, पहाड़ी रीति रिवाज सब लोगों का ऐसे ही होता है, तो घर में आते हैं देखते हैं, उसके बाद लड़का आता है बाद में फिर देखने के लिए। उस टाइम घर वालों को बताया होगा कि ऐसे ऐसे मैं उस टाइम पे फ़ोटो चलती थी कि फ़ोटो ना, हमने फ़ोटो खिंचा रखी थी मैंने, वो बहुत मार्केट जाने का टाइम नहीं होता था, कभी हम जाते थे तो दोस्तों के साथ ऐसे उत्तरायणी मेले में जाते थे, तो मेले में गई थी मैं, उस टाइम पर मैंने फ़ोटो खींची थी। बीआरओ में है, ग्रीफ में है, तो अभी 3-4 साल हो रखे हैं, तो 2004 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी शायद, हाँ 2004 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, 4, 5, 6, 7 में हमारी शादी हुई थी, 29 अप्रैल 2007 को हमारी शादी हुई थी। तो काफ़ी अच्छा रहा, तो सब बात बात हो गई थी, तो बात आती है लड़के को बुलाओ भाई, कहाँ है, क्या है, कैसा करता है, क्या करता है, तो हाँ दुल्हे जी आते हैं घर, तो काफ़ी मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे जब हम मुझे देखने के लिए आए थे, तो यहाँ से बालीघाट आए, बालीघाट से आगे को एक रोड कटती है दोफाड़ साइड को, एक बागेश्वर जाते हैं, एक दोफाड़ जाते हैं, तो दोफाड़ वाली लाइन में हम थे, मेरा मायका दोफाड़ हुआ, तो यहाँ से बागेश्वर गए, वो बागेश्वर से बैठ गए, वो दोफाड़ वाली गाड़ी में नहीं बैठे, वो बैठ गए चौरा वाली गाड़ी में, चौरा से 5 किलोमीटर है हमारा दोफाड़ हुआ आगे, तो उनको पता नहीं था उस टाइम पे शायद, तो वो बैठ गए चौरा वाली गाड़ी पे, चौरा वाली गाड़ी पे बैठे, तो अब आधे रास्ते तक ही छोड़ना था, बंदे ने कहा कि हम आगे नहीं जाते हैं, हम यहीं तक जाते हैं, तो भाई चौरा पे उतार दिए फिर दोनों को, और पापा जी और उनको, तो अपना चला गया उधर, उनको बीच रास्ते पर छोड़ के बस हो गया वहीं से, अब ना इधर जाए ना उधर जाए, कहाँ जाए। तो स्पेशल बात तो ये है कि वो मुझे देखने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चल के आए, मतलब पैदल पैदल ही आए वहाँ से, क्योंकि आधा रास्ता हो गया था, गाड़ी मिली थी क्योंकि जो आगे को गाड़ी नहीं आई वहाँ, तो पैदल पैदल ही पहुँच चलते गए पापा जी से पूछते गए कि पापा जी अभी कितनी दूर है, कितनी दूर है।
तो पापा जी बताते गए कि बस अभी नजदीकी है नजदीकी है, तो ऐसे ऐसे करते करते 5 किलोमीटर कट गया है उनका। फिर एक ऐसी 100 मीटर जैसी की दूरी पे हमारा घर था, तो उसके पीछे वहाँ पे हैंडपम्प था वहाँ पे। तो ऐसे ही कहा उन्होंने कि मेरे बूबू जी, मतलब मेरे दादाजी बूबू जी, तो मेरे पापा तो जवान थे, बूबू जी भी वहाँ पे थी, सब थे मेरे। तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से मेरे दादाजी पानी भर रहे थे हैंडपम्प से पानी भर रहे थे। तो उन्होंने देख लिया कि पापा जी ने बूबू को पहचान लिया कि हाँ भाई यही है, इन्हीं के घर हमें जाना है। तो ठीक है भाई, चलो वहाँ पे मुलाकात वगैरह हुई, तो चलो फिर। तो और स्पेशल बात ये है कि मेरे बूबू जी को उन्होंने मेरे फादर समझा, दुल्हे ने मेरे बूबू जी को मेरा फादर समझा। तो चलो यार सया नहीं है, ठीक है, वो आ गए। चलते चलते उनके साथ आए तो ऊपर को फिर पापा जी दिख गए उनको, तो पापा जी को मेरे चाचा जी समझे कि चलो इनके चाचा वगैरह कुछ और होंगे। तो ऊपर को आए, नमस्ते वमस्ते करा उन्होंने, तो हाँ भाई ठीक ठाक है, ये है वो है। तो बाद में पता चला कि ये दादाजी हैं और वो पापा जी हैं। तो पापा जी इतने जवान हैं, तो लड़की कितनी जवान होगी, मतलब बच्ची होगी या फिर जवान होगी, उस टाइम पे डाउट चला उनके दिमाग पे कि अगर अगर बूबू जी इतने जवान हैं और क्या कहते हैं फादर इतने जवान है, तो लड़की कैसी होगी, मतलब इतनी शादी लायक होगी लड़की की, देखते हैं फिर एक बार क्या होता है। उनके दिमाग में ऐसी बातें दौड़ रही थी। चाय वाय पी पाके उसके बाद फिर अभी मुझे कहा, नहीं चाय वाय नहीं पी, चाय वाय तो बाद में पी, पहले पानी ले जा कहा मम्मी ने मुझे, पानी दे फिर पानी ले जा। कहा मैं क्यों दूँ भाई, तुम जाओ तुम। अब शर्म भी आती थी उस टाइम पे, अब गाँव घर के बच्चे हैं, इतना फ्रेंकली नहीं रहते थे, तो मुझे शर्म आ रही थी। मैंने कहा मम्मी आप जाओ, आप दे के आओ। तो मम्मी कह रही है मुझे देखने आ रहे हैं या तुझे देखने आ रहे हैं, तुझे देखने आ रहे हैं, तू जाओ हाँ उनके सामने। मैंने कहा ठीक है चलो रखो इसमें। अब मैं डर रही थी, ऐसे 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 लड़खड़ा रही थी, मैं जा रही थी देने के लिए, तो बोलना ही पड़ेगा। तो मैं उनको भी नमस्ते करा, फिर पापा जी को नमस्ते करा, फिर उनको नमस्ते करा। पापा जी ने मुझे ऐसी टॉफ़ी दी, तो मैं टॉफ़ी लेके बाहर आ गई, सामान भी लेके आए थे खूब सारा, तो सामान लेके ऊपर आ गई। तो मैं आई, मम्मी ने चाय अब ले, फिर चाय दे के, उनका ठीक है चाय दे के आई, चाय वाय दे के आई। उसके बाद फिर वो बाहर आए थे, चाय वाय पी उन्होंने तो बाहर आए। तो उस टाइम पे ऐसी बात होता, चलो यार लड़की लड़का लड़की बात कर लेते हैं, उस टाइम लड़का लड़की एक बार बात कर लो आपस में, तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो वो आ गए। अब उस टाइम पे अलग कमरे में हम बैठ गए, वहाँ बातचीत की हमने। उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आप कितने में पढ़ते हो, क्या है। मैंने कहा मैं 11th में पढ़ती हूँ। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप इतनी छोटी हो, आप शादी करना क्यों चाहती हो। मैंने कहा मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए घर वालों की जिद है कि तुम शादी कर लो, ये है वो है। तो फिर उन्होंने कहा अगर ठीक है, फिर अगर आप नहीं करना चाहती हो तो मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप पसंद, अगर मैं आपको पसंद आ गया तो आप फ़ोन कॉल पे मुझे बता दीजिएगा, और बाकी अदरवाइज आप शादी नहीं करना चाहती हो तो मत करो, रहने दो अपने आप रहता है। तो ऐसे बोला। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा मेरा बोझ नहीं हो रहा था, नहीं करना चाहती थी, बट ऐसा और कोई और कहीं कोई और रीज़न भी है पूछ रहे। मैंने कहा नहीं नहीं और कोई रीज़न नहीं है, बाकी बस इतना ही है। तो ऐसी काफ़ी बात हुई हमारी थोड़ी बहुत ऐसी। तो मुझे क्वेश्चन पूछे थे कि आप ऐसे पूछा कितने में हो, क्या हो, ज़्यादा बातचीत वो भी नहीं करते थे। मैं पहली बात बता दूँ, वो भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, जो उनके साथ रहे हैं, जो मेरे साथ भी और उनके साथ भी, दोनों के साथ रहे ना, उनको काफ़ी पता होगा कि वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। उस टाइम पर भी यही बात हुआ। तो ठीक है, उन्होंने कहा आप मुझे पसंद हो तो मैं आपको, आप तो मुझे पसंद हो तो ठीक है, आप अगर मैं आपको पसंद ना हूँ या हूँ तो फिर आप फ़ोन कॉल में मुझे बता दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो फ़ोन नंबर दे के गई अपना मुझे। वो उस टाइम पे पोस्टिंग थी उनकी ले में थी वहाँ, हाँ ले में थी, तो वहाँ मुझे फ़ोन नंबर दे के गए थे। तो फ़ोन नंबर दे के गए तो फिर हो गया, बातचीत हो गई, आ गई फिर मम्मी के भी पसंद आ गए, घर वालों के भी पसंद आ गए। मैंने कहा चलो ठीक है, सबके पसंद आ गया, तो अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मना भी नहीं कर पाई मैं उस टाइम पे। आज की वीडियो यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपको कल दूसरे ब्लॉग में। अगर पार्ट 3 आप लोग देखना चाहते हैं मेरी शादी की, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि
इतनी सारी मैं आप लोगों को बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ना आप ना मैं ही अपलोड कर पाऊंगी ना आप लोग ही देख पाओगे, इसीलिए छोटी छोटी करके बनाऊंगी। तो पार्ट 3 आप देखना चाहते हैं मेरी मैके की कहानी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको फिर दूसरे ब्लॉग में। हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि कमेंट पे ही मैं वीडियो बनाऊँगी, अगर आपके कमेंट नहीं आएंगे तो मैं नहीं बनाऊँगी। तो फिलहाल तो हमारी शादी की शुरुआत चल रही है, अभी तो बहुत जर्नी आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है, काफ़ी लंबी है कहानी ज़िंदगी की, लाइफ की। तो कीजिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं तीसरा पार्ट इसका बनाऊँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।